दोस्तों, क्या आप लोग मोबाइल में बार बार ऐड आने से परेशान हो गए हैं? जैसे आप लोग मोबाइल में कुछ भी ओपन करते हैं, यहाँ तक कि गैलरी ओपन करते हैं या कोई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही ऐड आ जाते हैं, पॉपअप में ऐड आ जाते हैं। तो आप लोग एक क्लिक में अपने मोबाइल में ये ऐड्स को कैसे बंद कर सकते हैं, चलिए बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप लोग देखते हैं, जैसे मैं कुछ भी यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसा मेरे मोबाइल में बार बार ऐड आ रहा है। जैसे मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप लोग चाहते हैं मैं कुछ भी यूज करूँ तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में जो बार बार ऐड आ रहे हैं, कहीं आप फाइल मैनेजर, गैलरी कुछ भी ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐड आ जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आप लोग इसे बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है या कमेंट वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा ऐड क्लोज, इतना आपको कमेंट कर देना है। फिर जैसे आपके मोबाइल में बार बार ऐड आ रहे हैं, आप लोग इसे बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, जो तरीका मैं बताऊँगा इसको पूरा देख लेना है, तो आपका मोबाइल सिक्योर भी रहेगा, आपका डाटा लीक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे सेटिंग पे आ गया हूँ तो यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ और नीचे आ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे हमें और नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्पेशल परमिशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्पेशल ऐप एक्सेस ये ऑप्शन मिलेगा। आप लोग जैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप लोग यहाँ पे देखिए सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे मेरे में यहाँ पे शो कर रहा, आप लोग इसका सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ, फिर यहाँ देखिए ऑप्शन आपको एक और मिल जाएगा डिस्प्ले ओवर द ऐप्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी तो यहाँ पे शो करेंगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देख लेना है कौन कौन सी एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर रहे हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे क्लोज कर देना, ऑफ कर देना है। इसी तरह आपको एक एक करके जिसे जिसे आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं इसे इस तरह करके ऑफ कर देना है। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आना है और बैक का जाना है। फिर आपको यहाँ पे देखे डिस्प्ले का ऑप्शन को देख लेना है, डिस्प्ले ऑप्शन कहाँ पे है तो यहाँ पे मेरे में शो करा डिस्प्ले, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखे डिस्प्ले और यहाँ लाइट मोड डार्क मोड, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ डार्क मोड को एनेबल कर देना है। यहाँ पे देखे डार्क मोड कर दिया हूँ और इससे बेनिफिट क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक का जाना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स, आपको ऐप्स वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ देखे सिस्टम ऐप, मैनेज ऐप और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपके यहाँ मैनेज ऐप यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन होंगी सभी एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेंगी। तो यहाँ पे आपको देख लेना है बिना नाम और बिना लोगों का कोई एप्लीकेशन यहाँ पे तो है तो नहीं। अगर आपको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके उसे डिलीट कर देना है। जैसे मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल में दिखा देता हूँ, जैसे मेरा ये मोबाइल आप लोग देखते हैं, ये सेटिंग ओपन किया हूँ तो हमें नीचे आना है और यहाँ पे देखे ऐप एंड परमिशन यहाँ पे क्लिक करना है, ऐप मैनेजर यहाँ पे क्लिक करना है। हर मोबाइल में देखे अलग अलग सेटिंग होती है, मेरे मोबाइल में ऐप मैनेजर ओपन हो रहा तो यहाँ पे ओपन हो गए। ऊपर आप लोग देखते हैं बिना नाम और बिना लोगों का यहाँ पे ये देख सुकरा, यहाँ पे केवल एमबी सुकरा। जैसे आप लोग डार्क मोड कर देंगे तो यहाँ पे देखे हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट है हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर ऐसी आपकी एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में तो यहाँ अनइंस्टॉल वाले पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते रहते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें आप इंस्टॉल नहीं करते हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं, उनके माध्यम से आपके मोबाइल में बराबर ऐड आते रहते हैं, तो आपको इस तरह यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। फिर यहाँ से बैक का जाना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे इतना कर देना है। फिर आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ क्रोम यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखे क्रोम ब्राउजर ओपन हो गए। फिर हमें यहाँ पे देखे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, हमें यहाँ नीचे देखे सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखे ये ऑप्शन आ गए, हमें और नीचे आना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा साइड सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख लेना है आपको यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो और नीचे आना है। यहाँ पे देखे पॉपअप ऐड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, से आपके मोबाइल में ऑन है तो यहाँ पे क्लिक के इसे ऑफ कर देना है, यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ भी आपको एड्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखे जैसे ऑन रहेगा तो आपको ऑफ कर देना है,
इतना करने के बाद और नीचे आना है, इस तरह आपको देख लेना है ऐड वाला कहाँ पे है, इस तरह आपको इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार यहाँ पे स्विच ऑफ करना है, ऑन कर लेना है, जो आपके मोबाइल में ऐड प्रॉब्लम थी ये बहुत आसानी से इस तरह सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।